पिछले 2-3 दिनों से दिल बहुत उदास है, तो आज बस फ़ोन उठाया और वीडियो एडिट करने बैठ गई। सोचो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी परेशानी शेयर कर लूं, क्योंकि मैं तो वीडियोस इन लोगों के लिए ही बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी की प्यारी सी फैमिली, आप सब मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान का तीसरा अशरा जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बस ख़त्म होने को है। अल्लाह ताला आप सबकी सारी इबादत कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। हुआ कुछ यूँ कि जब पिछले 2 दिन पहले, हाँ, जब मैं उठी तो अपना फ़ोन चेक कर लिया, चैनल पर आ गई तो चैनल पर जो है ना, चैनल से डॉलर गायब थे। तश्वीश हुई कि भाई क्या हो गया चैनल के साथ। तो उधर आया था रीयूज कंटेंट का इशू। एक्चुअली मैंने अपना चैनल लास्ट कोविड में जो था ना स्टार्ट किया है, तकरीबन इसके बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये मोनेटाइज हो गया था लास्ट लास्ट ईयर नहीं, आई थिंक 3-4 महीने पहले ये मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन अभी ये इशू आ गया कि ये वापस डीमोनेटाइज हो गया। एक्चुअली मेरे शॉर्ट वीडियोस जो थे उस पर मैंने कभी किसी का क्लिप लिया था, तो इसी वजह से। यूट्यूब की पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो आप लोगों से भी यही कहना है कि रीयूज्ड कंटेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अपना इस्तेमाल करें, थंबनेल भी अपने लगाएं। तो मैं भी इसी वजह से मेरा चैनल जो है ये डीमोनेटाइज हो गया, और फिर मैंने जल्दी से शॉर्ट वीडियो डिलीट भी कर दी। तो इसी वजह से अब मेरा वॉच टाइम का मसला आ गया। अब मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना है दोबारा और फिर अप्लाई करना है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो मेरे चैनल को, आप लोग फुल वॉच कर लिया करें मेरे वीडियोस को, ताकि ये मसला जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और मैं दोबारा यूट्यूब पर उसी तरीके से काम करना शुरू कर दूं। ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं यहीं पर काम करूंगी, वरना फिर मेरा वो नहीं है, इतना दिल नहीं करता ना कि चैनल मोनेटाइज हो गया था वापस। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बनाई कि आप लोगों ने अपने चैनल पर छोटे छोटे क्लिप भी ना डाले किसी के, क्योंकि इसी से पर भी जो है ना यूट्यूब की पॉलिसी बहुत सख्त होती है। और आप लोग मुझे अब बताएं कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं दोबारा अप्लाई कर दूँगी, और अगर आप लोग भी नहीं मेरा सपोर्ट करते तो फिर शायद मैं दोबारा यूट्यूब ज्वाइन ना कर सकूं। और लेकिन आप लोगों की प्यार और सपोर्ट था तो मैंने वीडियो अपलोड कर ली। मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स को तो एटलीस्ट इतना बता दूं कि यूट्यूब की जो फॉल पॉलिसियां हैं उनको मस्ट मस्ट फॉलो करें, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये हमारे चैनल पर जो है वो उसको देखते हैं और उनको सब कुछ वो देख रहे होते हैं। तो बस यही सी छोटी बात आप लोगों के साथ आज डिस्कस करनी थी। तो ये छोटी बाज़ार गई थी, छोटी मोटी बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग भी कर ली, घर आकर ये सैंडविच बना दिए। ये सैंडविच बहुत ज़बरदस्त बने थे, आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं। और बस ईद आने वाली है, लेकिन मैं बहुत सैड हूँ अपने चैनल की वजह से। बस दुआ करें कि मेरा वॉच टाइम जो है अब ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं दोबारा जो है ना यूट्यूब जो है ज्वाइन कर सकूं, ताकि दोबारा मेरे चैनल पर एड्स चल जाए और दोबारा से चैनल जो है वो ठीक हो जाए। बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला आप लोगों की सारी मुरादें दुआएं कबूल फरमाए और ढेरों सारी खुशियां आप लोगों को नसीब करें, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मुझे साथ मेरा साथ दिया है। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, और मैं भी भरपूर कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है मैं आप लोगों के चैनल को भरपूर सपोर्ट करूं। आज पहली बार इतना बड़ा वीडियो डाला है, अदरवाइज़ मेरा वीडियो 3-4 मिनट का होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई जो है ना
वो वॉच कर ली, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स है कौन किस किस को कितना वो टाइम दे सकता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इतना डाला ताकि थोड़ी बहुत जो है ना वो मेरी वॉच टाइम का मसला जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो बस आप लोग अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि मुझे क्या करना चाहिए, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर लूँ। कुछ अगर आप लोगों के साथ कुछ टिप्स है या कुछ ऐसी आइडियाज़ है तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग सब समझते हो कि YouTube पर हम लोग कितना और सब जो है ना बहुत अपनी तरफ से मेहनत करते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए। और फिर ये इंसान की एक ख्वाहिश हो जाती है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी फैमिली बना लेता है तो फिर वो अपनी फैमिली से इंसान को अच्छा और अजीज़ लग जाती है। तो बस यही वजह है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के दरमियान काम करूँ, आप लोगों के साथ अपना जो है ना वो शेयर करूँ, जो मेरी रूटीन है, जो कुछ भी है, कुकिंग है। तो बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मेरे वीडियोस को फुल वॉच करनी है। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और अल्लाह करे कि आने वाली ईद बहुत सारी खुशियों का संदेशा लाए और आप लोगों के हर दुख और तकलीफ को ख़त्म करे। मुझे रखे अपनी दुआओं में याद। द अल्लाह पामान, टेक केयर, खुदा हाफिज़।